हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एडुकेशन कंसल्टेंसी। मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल अकादमी पोल्तावा यूक्रेन के बारे में। फ्रेंड्स, यूक्रेन इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर स्टडी एमबीबीएस कोर्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सो वीडियो होने वाला है इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल अकादमी पोल्तावा के बारे में सारी बात पता चल सके। उन स्टूडेंट को शेयर कीजिए जो एमबीबीएस फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन कंट्री के बारे में। यूक्रेन के कैपिटल कीव है। यूक्रेन के पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 18 लाख है। एमबीबीएस इन यूक्रेन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसके टाइटल है एमबीबीएस इन यूक्रेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिट, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल अकादमी पोल्तावा को पोल्तावा स्टेट मेडिकल एंड डेंटल अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंस्टीट्यूट पोल्तावा यूक्रेन में है जो एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में। स्टूडेंट यूक्रेन में चलता है एमडी कोर्स, डॉक्टर इन मेडिसिन कोर्स, जो इक्विवेलेंट है इंडियन एमबीबीएस कोर्स से, जिसका ड्यूरेशन है 6 ईयर एकेडमिक कोर्स, 1 ईयर इंटर्नशिप इन इंडिया में आकर करना है। स्टूडेंट यूक्रेन में 3 ईयर के बाद प्रोक 1 जो साल में 2 टाइम्स होते हैं एंड 6 ईयर के बाद प्रोक 2 देनी पड़ती है जो साल में 1 टाइम्स होते हैं, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरह ही होते हैं जिसको पास करना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, यूक्रेन में एडमिशन लेना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा पहुंचने के लिए आपको इंडिया से फ्लाइट मिल जाएगी फ्रॉम दिल्ली टू कीव। वहां से आप बाय बस और ट्रेन से जा सकते हैं। यहां का क्लाइमेट समर में मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस और विंटर में रहते हैं मैक्सिमम -8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा के अप्रूवल्स एंड एक्रेडिटेशन की। स्टूडेंट, ये यूनिवर्सिटी नेशनल मेडिकल कमीशन NMC और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI से अप्रूव्ड है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स WHO फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च FIMR एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ECFMG यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन USMLE में लिस्टेड है एंड और भी बहुत सारे जगह से सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये है कि आप लगभग सभी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के पास 4th लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन है जो यूक्रेन के हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन है। तो यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी इन टर्म्स ऑफ एक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा में पढ़ने का बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट नंबर 1, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। यहाँ पर एडमिशन होता है नीट के बेसिस पर। अगर आप नीट क्वालिफाइड है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बेनिफिट नंबर 2, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हाई डेवलप्ड है। बेनिफिट नंबर 3, यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा पार्ट है बोलोगना प्रोसेस का, जो इंडिकेट करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन है इस यूनिवर्सिटी के। बेनिफिट नंबर 4, यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा की वर्ल्ड रैंकिंग 7255 है एंड 76 कंट्री रैंकिंग है। बेनिफिट नंबर 5, इस यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग रेशियो हाई है। बेनिफिट नंबर 6, यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा के हॉस्टल बहुत ही अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी के पास में मिलेगा एंड इंडियन मैस भी मिलेगा आपको। बेनिफिट नंबर 7, यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा का मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश है, जिससे स्टूडेंट को न्यू लैंग्वेज लर्न करने की नीड नहीं होती। उससे वहाँ लोकल लैंग्वेज तो सीखना ही पड़ता है, लेकिन जो मेडिकल रिलेटेड कोर्स है वो इंग्लिश में है। बेनिफिट नंबर 8, यूक्रेन मेडिकल सोमाटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा बेस्ट ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर कंपेयर करें तो किसी भी यूरोपियन कंट्री से। आपको हम बताते हैं इस यूनिवर्सिटी में एंट्री करने के लिए आपका किन किन डॉक्यूमेंट्स के नीड हो। क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोज, नीट स्कोर कार्ड चाहिए आपका। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी और यूक्रेन में कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट में मिनिमम क्वालिफाइड मार्क रहना चाहिए। मतलब लिफ्ट अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसके टाइटल है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन फॉरेन और अब्रॉड, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको फीस
लेक्चर और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे दिखाए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर शिक्षा एडिशन कंसल्टेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारे दर्शक में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि चाहते हैं कि खुद की एडिशन कंसल्टेंसी स्टार्ट करें और इंडिविजुअली स्टूडेंट रेफर करें तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मिलेंगे एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।